हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। मेरा नाम है पीयूष कुमार। दोस्तों, अगर आप YouTube क्रिएटर हैं, आपने कुछ टाइम पहले ही YouTube पे अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, आप YouTube पे वीडियोज वगैरह अपलोड करते हैं, या फिर आप क्यों ना पुराने ही यूट्यूबर है, काफी टाइम से YouTube पे वीडियोज वगैरह अपलोड कर रहे हैं, हर उस इंसान के लिए ये वीडियो काम का होने वाला है जो YouTube पे अपना करियर बनाना चाहते हैं, YouTube पे वीडियोज वगैरह अपलोड करते हैं। मैं आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके फ़ोन पे होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन एप्लीकेशन की मदद से आप अपने यूट्यूब के चैनल को बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, कुछ बूस्ट करने में हेल्प मिलेगा इन सब एप्लीकेशंस की मदद से। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। और वीडियो को पूरा देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा हर उस एप्लीकेशन के बारे में, डिटेल में बताऊंगा कि आप इस एप्लीकेशन की मदद से कैसे अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं, अपने वीडियोज़ को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं और मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन से एप्लीकेशंस हैं जो अगर आप यूट्यूबर हैं, एक यूट्यूब क्रिएटर हैं, वीडियो वगैरह क्रिएट करते हैं, तो ये एप्लीकेशंस आपके फ़ोन पे होना ही चाहिए, क्योंकि इन एप्लीकेशंस की मदद से आपको आपके वीडियो को बूस्ट करने में, आपके चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने में बहुत हेल्पफुल है ये एप्लीकेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं, पहले एप्लीकेशंस की तरफ हम चलते हैं। तो पहला एप्लीकेशन जो हमारा आता है वो है YT स्टूडियो। आप लोग लगभग हर कोई ही जानते होंगे YT स्टूडियो, और इसी से आप लोग वीडियोज़ वगैरह अपलोड करते हैं। बट जो नहीं जानते उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो YT स्टूडियो ओपन कर लेते हैं, सेम इंटरफेस ऐसा ही खुलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो मेन इसका जो काम है वो तो आप लोग YouTube पे वीडियोज़ वगैरह इस एप्लीकेशन की मदद से अपलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके बाद जो है यहाँ पे एनालिटिक्स वगैरह कर सकते हैं, वीडियोज़ में क्या व्यू आया है, किस तरह का ग्रो कर रहा है, क्या उसका रिस्पॉन्स है वीडियोज़ का, वो सारा डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ऑडियंस का क्या रिटेंशन है और किस तरह के व्यूज़ वगैरह यहाँ पे आ रहे हैं, कितने एज के व्यूअर्स जो है वो आपके वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा, कमेंट्स वगैरह और भी बहुत कुछ दिख जाएगा आपको YT स्टूडियो में। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आप नहीं जानते थे। तो ये था हमारा पहला एप्लीकेशन जो आपके फ़ोन पे होना ही चाहिए अगर आप यूट्यूबर हैं कि यूट्यूब क्रिएटर हैं। तो चलते हैं हम अपने दूसरे एप्लीकेशन की तरफ। दूसरा एप्लीकेशन जो आता है हमारा, उसका नाम है ट्यूब बडी। ये देख सकते हैं ट्यूब बडी, आपको प्ले स्टोर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना सिंपली ट्यूब बडी, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इस एप्लीकेशन का जो वर्क है वो क्या है, किस तरह से ये एप्लीकेशन काम करता है आपके लिए, आपके वीडियोज़ को बूस्ट करने में। तो पहले तो इसे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद सेम ऐसा ही इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे वीडियोज वगैरह शो हो जाएगा। अभी लोडिंग ले रहा है। तो देख सकते हैं अभी लगभग हमारा लोडिंग हो चुका है। यहाँ पे आप मेन पेज पे आप देखोगे तो यहाँ पे व्यूज़ वगैरह दिखाई देते हैं, कमेंट्स क्या है और रिसेंटली क्या व्यूज आए हैं वो भी दिखाई दे देता है। यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे दिख जाता है। उसके बाद इस एप्लीकेशन का जो काम है वह ये है कि यहाँ पे आप किसी भी वीडियोज़ को, जैसे मैं ओपन कर लेता हूँ, ये किसी भी वीडियो को ओपन कर लिया मैंने। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन जो है आपको बता देगा कि आपके वीडियोज़ में क्या कमी है, किस तरह की कमी है जिसकी वजह से आपका वीडियो जो है वो रैंक में नहीं जा पा रहा। तो देख सकते हैं अभी मेरे वीडियोज़ पे दो चीज़ों की कमी है। यहाँ पे बताया जा रहा है जो येलो का सिंबल है ये आपकी वीडियोज़ की कमी है। यहाँ पे लिख रहा है ऐड टैग्स टू योर टाइटल, यानी कि टाइटल पे मैंने टैग नहीं लगाया सही से। और दूसरा है ऐड टैग्स टू योर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने टाइटल जो है, टैग्स जो है वो सही से नहीं लगाया। बाकी जो थंबनेल है वो मेरा बढ़िया है और टाइटल लेंथ जो है वो भी मेरा बढ़िया है। और भी यहाँ पे ऐड कार्ड है, वो कार्ड मैंने ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे जो जो छूटा है आपके वीडियो पे, जो जो रह गया है वो सारा कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप उसे फिर से अच्छे से इसके कॉन्फिगर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद जो इसका और एक काम है वो है आप टैग, इसके जो टैग को है आप देख सकते हैं कि इसका टैग जो है कितने रैंक पे चल रहा है, टैग जो आपने लगाया होगा वो रैंकिंग में है या नहीं है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको इस वाले बटन पे जाना है, यहाँ पे देख सकते हैं टैग लिखा हुआ, इसको आपको क्लिक करना है। अभी देख सकते हैं जो मैंने टैग लगाया था वो मतलब चार टैग जो है मेरा रैंक पे है, दो टैग तो मेरे चैनल का खुद का ही है और दो टैग जो है यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में, ये दोनों जो है रैंक में चल रहा है। अगर ये पहले नंबर में जो है ये दूसरे नंबर पे रैंक कर रहा है होलसेल रेट ऑफ टेम्पर्ड ग्लास, अगर इस कीवर्ड को हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो दूसरे नंबर पे हमारा वीडियो शो करेगा, और ये ओरिजिनल प्राइस ऑफ टेम्पर्ड इसे अगर सर्च करेंगे तो तीसरे नंबर पे हमारा वीडियो जो है वो शो करेगा। और पीयूष के डॉट मेरे चैनल का जो नाम है इसी को अगर सर्च करते हैं तो 9th यानी कि 9वें नंबर पे हमारा वीडियो शो करेगा। ये भी एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपका कौन सा जो टैग है वो रैंक में चल रहा है, बाकी टैग जो फालतू टैग है उसे डिलीट कर सके, फिर से आप अपडेट कर सकते हैं टैग को ताकि वो फिर से रैंक में चला जाए। तो ये था हमारा दूसरा एप्लीकेशन। अब हम चलते हैं अपने तीसरे एप्लीकेशन की तरफ। तीसरा एप्लीकेशन जो है वो यू टूल है, ये देख सकते हैं यू टूल। यू टूल भी आपको बहुत ही आसानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप यू टूल सर्च करोगे प्ले स्टोर पर जाके तो वहाँ पर आप
वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी एप्लीकेशन जो है कि आप वीडियो बनाने के बाद जब अपलोड करने का टाइम होता है उस टाइम आपको कीवर्ड नहीं मिलते हैं, जो ट्रेंडिंग और रैंकिंग कीवर्ड्स होते हैं वो यहाँ पे आपको आप खुद से नहीं सोच पाते हैं। बट आप अपने वीडियो से रिलेटेड कीवर्ड को इस एप्लीकेशन में सर्च करोगे तो यहाँ आपको बता देगा कि वो कीवर्ड जो है रैंकिंग है या फिर नहीं, बढ़िया कीवर्ड है या नहीं, सर्चेबल कीवर्ड है या नहीं। तो आप वो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कीवर्ड सजेशन। कीवर्ड सजेशन पे आप जाओगे तो थोड़ा सा ऐड चलता है, देखना पड़ जाता है, फ्री के एप्लीकेशन से तो देखना तो पड़ेगा ही। तो ऐड को आपको सिंपली क्लोज कर देना है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कीवर्ड हियर। तो आपको कीवर्ड यहाँ पे टाइप कर देना अपने वीडियो से रिलेटेड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल। अब इस कीवर्ड से मतलब हमें बताएगा कि ओवरऑल जो है क्या रैंक है, किस तरह के इसमें कीवर्ड जो है सर्चेबल है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ कंपटीशन जो है वो मीडियम है, बट सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं आप इसमें बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही हाई है। और ओवरऑल देखा जाए तो 57% जो है इसका कीवर्ड का जो है रैंकिंग है। तो आप ये कीवर्ड जो है, ये जो इसमें जो कीवर्ड सजेस्ट किया जाता है उसे आप अपने वीडियोज पे ऐड कर सकते हैं। प्लस आपको इसमें टैग वगैरह भी आपको खुद से लगाने की ज़रूरत नहीं। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ कीवर्ड है, ये इसे व्यू ऑल करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे टैग्स मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप इन टैग्स को हैशटैग लगा के यूज कर सकते हैं। ये भी एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया है, इसके मदद से आप अपने वीडियोस को रैंक में लेके जा सकते हैं। इस एप्लीकेशन का एक और यूज है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे टैग एक्सट्रैक्टर आप देख रहे होंगे, आप किसी के वीडियोज़ को, अगर किसी के वीडियोज़ को के टैग को देखना चाहते हैं तो टैग एक्सट्रैक्टर पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसके वीडियो का लिंक जो है पेस्ट कर देंगे तो आप जो है उस वीडियो का जो टैग है वो आप देख पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों यही तीन एप्लीकेशन थे जो आपके वीडियोज़ को ग्रो करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। आप इन एप्लीकेशन को आप अपने फ़ोन पे ज़रूर इंस्टॉल करने। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं, आप नए क्रिएटर हैं तो खास करके इन एप्लीकेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है आपके फ़ोन पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही था, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और थैंक यू।